हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हिमानी शर्मा और आज जो वीडियो लेकर आए हैं उसमें हम फिश बनाना सीखेंगे कि किस तरह से बहुत आसानी से मछली बना सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल है और वो बहुत इन्जॉय भी करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मछली बनाने के लिए नीचे वाली लाइन लेंगे। आप सबको राइट करना आता है, कैसे सही का निशान लगाते हैं, बस थोड़ा सा गोलाई में उस सही के निशान को इस तरह लगाना है, ठीक है। और इसी तरह से ऊपर वाले हिस्से को हम गोलाई से नीचे की तरफ ले आएंगे। ये देखिए, हमारे पास अभी से ही मछली की शेप आ गई है। देखिए, बस इसको थोड़ा सा आर्टिस्टिक करना है। उसके लिए सबसे पहले हम इसकी टेल से काम शुरू करते हैं। यहाँ हमने इसका ऐसे डिज़ाइन बनाया और ये हमने मछली का पिछला हिस्सा बनाया। देखिए, अब आगे के हिस्से के लिए सबसे पहले इसको इस तरह से मछली का मुंह बनाने के लिए आगे का हिस्सा गोलाई लेंगे, इसकी आईज ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर इसके लिए माउथ ड्रॉ करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है और कितना आसानी से बन गया। मछली के बीच के हिस्से के लिए डिज़ाइन बनाएंगे। अब हम इसके पंख बनाएंगे। ये देखिए कितना आसानी से हमने इसके पंख बना लिए। अब इसके अंदर सबसे पहले हम इसको टोटल को आउटलाइन कर लेते हैं और फिर इसके अंदर कलरिंग फिल करेंगे और मछली हमारी तैयार हो जाएगी। ब्लैक स्केच से पहले पूरी फिश की आउटलाइनिंग हो जाएगी इस तरह से। ये आईज ड्रॉ करी है, ये हमने इसका गोलाई देते हुए ऐसे, यहाँ पर जो ये हमने सर्कल ड्रॉ किया था यहाँ से इसकी ड्राइंग कर लेंगे और जो यहाँ पे कट का निशान आ रहा था उसको नहीं बनाना है। देखिए हमारी आउटलाइन पूरी हो गई है। अब हम इसमें कलर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले रेड कलर से इसके लिप्स ड्रॉ कर लेंगे इस तरह। ये कर लिया हमने। येलो कलर से फिलिंग करेंगे। फिश क्या है, फिश में आप कोई भी कलर यूज कर सकते हो, मल्टी कलर की फिश होती है और जितनी ज़्यादा कलरफुल यूज करेंगे, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए है ये ड्राइंग, तो छोटे बच्चों को ज़्यादा कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं और उनको मज़ा भी आता है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स करने में। ये हमने आगे के हिस्से में येलो कलर किया, पीछे के हिस्से में येलो कलर किया और बीच में हम कोई और कलर यूज कर लेंगे। आप इसमें अपनी मर्जी से भी कलर्स कर सकते हैं, बच्चे का जो मन करे वो कलर्स भी कर सकता है, जिसका भी उसको मन हो वो कलर वो यूज़ करके ये ड्राइंग कंप्लीट कर सकता है और इसमें उसको और ज़्यादा मज़ा आएगा। ये देखिए बहुत इजी है और अच्छी भी लगेगी, जब बच्चा इसको कलर करेगा तो उसको और ज़्यादा मज़ा आएगा। देखिए ये विंग्स भी कर दिए हमने इसके। अब बीच का हिस्सा बचा है, इसको हम टू डिफरेंट कलर से कर लेंगे। एक तरफ मैं थोड़ा सा पिंक कलर का यूज कर रही हूँ और दूसरी तरफ हल्का सा रेड कलर यूज कर रही हूँ। ये देखिए स्केच पेन से हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं इस तरह से, तो ये और ज़्यादा अच्छी लगेगी। यहाँ पर हम इसमें हल्का सा येलो कलर का शेड भी दे सकते हैं इस तरह से। फिश की डिज़ाइनिंग के लिए ये देखिए लास्ट, बस हमें क्योंकि फिश बनाई है तो पीछे पानी बनाना तो बनता ही है, यहाँ पर हम थोड़ा सा बबल्स इस तरह से बना देंगे
और लास्ट में, जैसे लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था जब डक बनाई थी, कि किस तरह से हम पानी का टेक्सचर ऐसे दे सकते हैं, इससे पानी का लुक बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से ब्लू कलर से हमने पानी का लाइंस ड्रॉ करी हैं। आप सर्कल्स के हाफ सर्कल ना लेकर वेव्स में भी बना सकते हैं। और ये ड्रॉ होने के बाद बस हमें लास्ट में लाइट ब्लू कलर से फिलिंग करनी है। ये देखिए हमारी सारी ब्लू कलर से फिलिंग कंप्लीट हो गई है और हमारी फिश पूरी हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपनी इससे पहले बनाई गई वीडियोस की लिंक भी शेयर करूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन बटन ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिले। थैंक यू।